जय साईं राम। नमस्कार। अब हम बात करेंगे 12 फरवरी 2021 के उपाय की। और आपको बता दूं कि आज गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, इसलिए गुप्त नवरात्रों का भी उपाय साथ के साथ हो जाए। एक मीठा पान या लाची सुपारी पान और दही, इसको आप दान कर दें, माँ प्रसन्न हो जाएगी और अपने निवास पर ज्योत अवश्य जलाएं। मैंने गुप्त नवरात्रों के उपाय भी आपको बताए हुए हैं। गुप्त नवरात्रों में क्या करें, इसकी वीडियो भी डाली है, उसे ज़रूर देखें। और बहुत शुद्ध नवरात्रे हैं, इसलिए बहुत शक्तिशाली नवरात्रे हैं। तो आज दही दान करें और घर में ज्योत जलाएं, आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, शक्ति मिलने वाली है। और पान सुपारी का एक पान ले लें, लाची सुपारी का या मीठा पान ले लें और उसको माँ को भोग लगा दें या दान कर दें या किसी धर्म स्थान में चढ़ा दें। इससे भी बहुत अधिक शक्ति की प्राप्ति होगी और आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये विशेष दिन होते हैं तो विशेष शक्तियाँ हमें मिल सकती हैं। तो विशेष शक्ति यदि आपने लेनी है इन दिनों में, मनोकामना पूर्ति होती है, किया किराया ख़त्म होता है, कर्ज मुक्ति होती है, तो मैंने वीडियो डाला है, उसको भी देखिए और उसी अनुसार करना शुरू कीजिए। शुभ दिन है, शक्ति ली जा सकती है। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए, फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों के जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh.